1949 का है, इंदिरा गांधी लखनऊ में हैं, वहाँ से ख़त लिखती हैं अपने पिता को, नेहरू को ख़त लिख रही हैं कि मैं उत्तर प्रदेश की सड़क पर हूँ और मुझे पता चला है कि टंडन साहब हर जगह का जिसका नाम बाद से ख़त्म होता है उसका नाम नगर में बदल रहे हैं, और ये इंदिरा गांधी हैं और नेहरू की बेटी हैं, और वो लिख रही हैं कि मुझे पता चला है कि वो हर शहर का नाम जैसे शिकोहाबाद है तो नगर में बदल रहे हैं। और इंदिरा आखिरी वाक्य लिखती हैं कि अगर ये इसी रफ्तार से चलता रहा तो मैं अपना नाम बदल के फिरोजा बेगम रख लूँगी। जो हमें लग रहा है कि अभी हो गया वो अभी नहीं है, ये एक लंबा वक्त गुजरा है, और इस वक्त में एक राजनीति थी जिसको संघर्ष करना था, उस विश्वास के साथ उसने नहीं किया, उसकी कीमत हम लोग अब चुका रहे हैं। एक किताब है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसका पहला पेज जो है उसको पढ़िए, हो सके रोज पढ़िए, दिन में कई बार पढ़िए, इसलिए कि जितने आइडियाज और जितने आइडियल्स आपको चाहिए नागरिक के तौर पे, वो सब उस एक पेज में है कि जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए। ये तीन शब्द हैं जिनसे के बाकी तमाम चीजें पूरी हो जाती। देखिए, आज हिंदुस्तान इस दौर में है कि हम विविधता से, विभिन्नता से ये घृणा, नफरत और भय पैदा होती है, नॉट प्राइड इन आर डाइवर्सिटी। द अटेम्प्ट देयरफॉर इज टू होमोजेनाइज, द अटेम्प्ट देयरफॉर इज टू से जो भी मुख्य धारा से विभिन्न है, जो मुख्य धारा में बिल्कुल बह करके अपना अस्तित्व खोना नहीं चाहता, उसको हम अलायदा करेंगे, उसको हम एंटी नेशनल बोल देंगे, उसको हम किनारे दरकिनार कर देंगे। 1952 और 1957 के चुनाव में नेहरू की स्पीच है, कांग्रेस के लोगों को दी हुई स्पीच, जिसमें नेहरू कहते हैं मैं हर चुनाव हारने को तैयार हूं, हर चुनाव, लेकिन मैं कम्युनलिज्म से समझौता करने को तैयार नहीं हूं। हिंदुस्तान बना है, ये एक समझौते पर बना है जिसके दो बुनियाद के पत्थर हैं, एक कि मुसलमानों को और ईसाइयों को बिल्कुल बराबर का हक हासिल है, तादाद कितनी भी हो, दूसरा रिजर्वेशन जो पूना पैक्ट से फॉलो करता है, और आप अगर दोनों पर चोट करते हैं तो हिंदुस्तान खत्म हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा देश है, यहाँ 4,635 कम्युनिटीज़ हैं, तो ये शब्द जो आ गए हैं भाषा में मेजॉरिटी माइनॉरिटी, इनका कोई मतलब नहीं है। हमारे सारे राजनीतिक दल इस घबराहट में पड़ गए हैं कि उन्हें बहुमत आसानी से चाहिए, वो तभी मिल सकता है जब हिंदू उन्हें वोट दें, और हिंदू उन्हें वोट नहीं देंगे अगर वो ईसाइयों और मुसलमानों के बगल में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। इसलिए मुसलमानों ईसाइयों से दूर रहो, खुद को ज़्यादा अच्छा हिंदू साबित करो, ज़्यादा दिखलाओ कि तुम उनको रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह तुम्हारे पास एक आसान बहुमत मिल जाएगा। यू नो, प्लीज रिमेंबर दैट हिस्ट्री इज not day before year. History does have very, very long arcs. In the we have battled slavery, we've defeated apartheid, we've defeated colonialism, and we can defeat this too. Every citizen of India has to be concerned at the direction we are going in, and only all of us together can stop it.